ये हमारा अस्तर है, पहले से कट कर दिया है। ये हमारा ब्लाउज है साड़ी का, तो इसका हम डिजाइन बनाएंगे। और हमने बैंग कट कर लिया है। अस्तर कटिंग हो गया है, अब हम कपड़े पर रखेंगे। ये जो कपड़ा हमारा बच गया है उसका हम डिजाइन बनाएंगे पीछे। ये हमारा सिलाई के लिए है, लंबाई 15 है तो 15.5 रखा है, शोल्डर 6 इंच, बाजू 6 इंच, चेस्ट 44 है तो 11 इंच रखा है, 1.5 इंच स्टेल रखा है। अब हम डिजाइन बनाएंगे। 2.5 इंच गले की चौड़ाई, 11 इंच, डिजाइन बन के तैयार हो गया है। अब इसको कट करेंगे। डबल कैनवास ले लिया है, अब इस पर हम ड्राइंग निकालेंगे कैनवास पर।
इसी तरह हम कैनवास पर रख कर कट कर देंगे। डबल कैनवास ले लिया है और इधर इधर और इधर दोनों तरफ बढ़ा दिया है। अब इसको हम जॉइंट करके डिजाइन निकालेंगे, यानी जॉइंट करेंगे इस तरह से। सिल्क तैयार हो गया है, अब इसको कट करेंगे। इस तरह से रखेंगे, इस तरह से भी रख सकते हैं। और इसमें हम ये डिजाइन लगाएंगे। इसको हम कट कर दिया है, दूसरा जोड़ दिया है। अब परे से चिपकाएंगे कपड़े पर इस तरह से। हम इसी तरह अस्तर भी कट करेंगे और इसमें भी अस्तर लगाएंगे, फिर हम सिलेंगे। सब सिल्क तैयार हो गया है, पलटी कर दिया है सिल्क दोनों में। अब इसको हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लग के तैयार हो गया है, अब इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लग के तैयार हो गया है, अब हम फिटिंग करेंगे।
फिटिंग हो गया है, अब सी लेंगे। सिल्क तैयार हो गया है, अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे इस तरह से। लैस लग के तैयार हो गया है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें।